नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली के आर्मी अस्पताल में निधन हो गया। पिछले लगभग 10 अगस्त से वो बीमार चल रहे थे, कोविड संक्रमित भी हो गए थे। उसके बाद काफ़ी समय तक वो वेंटिलेटर पर भी रहे और आज खबर आई कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता गुरु और शिष्य जैसा था। जब आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के लिए ट्वीट किया तो उन्होंने ये लिखा है कि जब मैं 2014 में पहली बार दिल्ली आया था, उस वक्त अगर किसी का मुझे गाइडेंस मिला था तो वह राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी का ही मिला था। और कई मौक़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि प्रणब मुखर्जी मेरे लिए पिता तुल्य थे। उन्होंने हमेशा मुझे गाइडेंस दिया कि मुझे आगे कैसे चलना है। बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब कुछ बड़े फैसले लेने होते थे, चाहे वो आर्थिक फैसले हो या नीतिगत फैसले हो, तो उसे लेकर अक्सर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनकी जरूर मदद किया करते थे। आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं अपने जीवन में देखता हूं कि मुझे एक अवसर आया आपातकाल में। मैं राजनीति में नहीं था, सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ था, लेकिन आपातकाल में भिन्न भिन्न विचार के लोगों के साथ काम करने का अवसर आया। एक्सट्रीम एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई विचारधाराओं के बीच काम करने का अवसर हुआ। मेरी आयु बहुत छोटी थी, लेकिन उस जीवन में बहुत कुछ सीखना समझना लोगों से मिला। हमारे यहां गुजरात विद्यापीठ के वाइस चांसलर हुआ करते थे धीरूभाई देसाई, उनके घर में जाना आना आपातकाल था तो प्रखर गांधीयन थे, रविंद्र वर्मा समाजवादी विचारधारा और कांग्रेस में जीवन, ऐसे लोगों के बीच में बड़ी करीबी से जीने का मुझे अवसर मिला। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बड़ी करीबी से जीने का अवसर मिला। एक मेरे मोल्डिंग में वो एक बहुत बड़ा अवसर था। मुख्यमंत्री बना तो मुझे आज गर्व से मैं स्मरण करता हूं, कांग्रेस के दिग्गज नेता नवल किशोर शर्मा जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे प्रणव दा की उंगली पकड़ करके दिल्ली की जिंदगी में अपने आप को सेट करने में बहुत बड़ी सुविधा मिली। बहुत बड़ा मेरे लिए एक बहुत बड़ा संबल रहा। एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा, मुझे दा कहते, प्रणव दा कहते,